नमस्कार दोस्तों, तो इनफिनिक्स जीरो 5G मतलब जिसका 2023 एडिशन ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। दो वेरिएंट लॉन्च हुआ है, एक का नाम है नॉर्मल वाला 2023, दूसरे एडिशन का नाम है टर्बो एडिशन। उस टर्बो एडिशन का प्राइस है 20,000 रुपए। और आपको तो पता है 20,000 रुपए पे अभी अभी लॉन्च हुआ है रियलमी 10 प्रो वाला स्मार्टफोन। इसलिए इस वीडियो हम देखेंगे इस दोनों नए वाले फोन के बीच में आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। तो इस वीडियो में चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। पहले तो अगर हम कलर की बारे में बात करें तो ये जो इनफिनिक्स टोटल 3 वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है। जैसा लास्ट बार का इनफिनिक्स 05G जैसा आपको 3 कलर पे मिला था, एग्जैक्टली सेम डिजाइन और एग्जैक्टली सेम कलर के साथ ये जो 2023 एडिशन ये लॉन्च हुआ है। लेकिन जो रियलमी उसके भी पीछे आपको टोटल 3 कलर मिलेगा, मतलब बहुत ही बढ़िया इसका डिजाइन है। इनफिनिक्स का थिकनेस है 8.9 मिलीमीटर और वेट है 199 ग्राम। रियलमी का थिकनेस है 8.1 मिलीमीटर और वेट है 190 ग्राम। इनफिनिक्स के पीछे आपको मिलेगा एक लेदर टाइप का बैक कवर, रियलमी के पीछे आपको मिलेगा नॉर्मल ग्लॉसी टाइप का प्लास्टिक बैक कवर। तो इसका मतलब अगर आपको हल्का फुल्का पतला स्मार्टफोन चाहिए तो उस मामले में रियलमी इधर इज डेफिनेटली बेटर। प्रोसेसर की अगर बात करें, इन्फिनिक्स आपको मिलेगा 6.78 इंच फुल HD प्लस LTPS LCD डिस्प्ले। अभी जिन लोगों को मालूम नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, जैसा सुपर एमोलेड का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है सुपर एमोलेड प्लस, तो एग्जैक्टली सेम IPS LCD डिस्प्ले का अपग्रेडेड वर्जन होता है LTPS डिस्प्ले, जो कि नॉर्मल LCD के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा कलर प्रोड्यूस करता है। मतलब इस इन्फिनिक्स में आपको वही डिस्प्ले मिलेगा, उसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और 500 nits के आसपास ब्राइटनेस आपको मिलेगा। उसी जगह पे रियलमी भी मिलेगा 6.72 इंच फुल HD प्लस नॉर्मल IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और 600 nits के आसपास ब्राइटनेस आपको मिलेगा। तो मतलब ये जो इन्फिनिक्स, इसमें आपको स्लाइटली बिगर क्वालिटी का और स्लाइटली ज्यादा कलरफुल डिस्प्ले मिलेगा। लेकिन जो रियलमी, उसका जो ब्राइटनेस स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी ज्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि प्राइस पॉइंट में सबसे ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको रियलमी भी देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की अगर बात करें, इधर दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। रियलमी 10 प्रो में आपको मिलेगा वही पुराना स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और अंटूटू स्कोर है 410,000 के आसपास। उसी जगह पे इन्फिनिक्स आपको मिलेगा नया वाला डायमेंसिटी 1080 प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और इसका अंटूटू स्कोर है 528,000 के आसपास। तो इसका मतलब अगर आपको बेस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस चाहिए इस दोनों के बीच में, तो उस मामले में इन्फिनिक्स है डेफिनेटली बेटर। कैमरे की अगर बात करें, इस मामले में तो रियलमी ऑब्वियसली बेटर, क्योंकि इसमें आपको 108 और 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगा। उसी जगह पे इन्फिनिक्स आपको मिलेगा 52 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अभी इस जगह पे रियलमी के पास टोटल 2 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज, इसमें आपको ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा मिल रहा है और दूसरा एडवांटेज यही है कि रियलमी का जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन वो डेफिनेटली इन्फिनिक्स के मुकाबले बेटर है। तो मतलब अगर आपको बेटर क्वालिटी रियर कैमरा चाहिए तो उस मामले में रियलमी इधर है ऑब्वियसली बेटर। वेरिएंट की अगर बात करें, इन्फिनिक्स का एक ही वेरिएंट अवेलेबल है जो कि 8GB रैम 256GB मेमोरी। उसी जगह पे रियलमी का टोटल 2 वेरिएंट मिलेगा, 6 120GB 8 120GB। इसके अलावा दोनों पे 2+1 कार्ड स्लॉट, LPDDR4X का रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिलेगा। मतलब सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल ज्यादा रैम और स्टोरेज के मामले में इन्फिनिक्स इधर है बेटर। और इसके बाद अगर बैटरी के बारे में बात करें, इस मामले में दोनों एग्जैक्ट सेम, क्योंकि दोनों पे मिलेगा 5000mAh बैटरी, 33W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB टाइप सी। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों की कुछ एक्स्ट्रा चीजों की अगर बात करें, रियलमी पे आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर, उसी जगह पे इन्फिनिक्स से मिलेगा डुअल स्पीकर। रियलमी का ये जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ, इन्फिनिक्स का ये जो फोन लॉन्च हुआ है एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ। दोनों पे मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5mm जैक। तो अब बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो रियलमी और इन्फिनिक्स दोनों के बीच में कौन सा बेटर है, ये नेक्स्ट साल देखने बाद अगर सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में रियलमी के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी कैमरा,
एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स और प्राइस पॉइंट का सबसे हल्का और सबसे स्लिम स्मार्टफोन मिलेगा। उसी जगह पे अगर आप इन्फिनिक्स के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा स्लाइटली बेटर क्वालिटी डिस्प्ले, बेटर क्वालिटी सीपीयू, डुअल स्टीरियो स्पीकर मतलब बेटर क्वालिटी का ऑडियो सिस्टम और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा। तो देखिए वीडियो के आकर में अगर मैं फ्रेंकली मेरा ओपिनियन देता हूँ तो मुझे दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि 20,000 रुपये प्राइस है रियलमी में आपको क्या मिल रहा है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, प्रोसेसर 2 साल पुराना प्रोसेसर मिल रहा है। लेकिन अगर इन्फिनिक्स के बारे में बात करें सभी स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक है लेकिन कैमरा इसका बेकार है। तो इसलिए मैं ये चीज कहना चाहूंगा ये दोनों फोन में से कोई फोन मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई एक फोन चूज करने के लिए बोलेंगे तो मैं इधर रियलमी का फोन थोड़ा सा ज्यादा चूज करना चाहूंगा। रीजन इसमें कोई एंड्रॉइड 15 तक का अपडेट मिलेगा, बेटर क्वालिटी कैमरा मिलेगा जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और फोन भी बहुत ही स्टाइलिश देखने को मिलेगा। तो भी आप मुझे कम से जरूर बताना कि क्या प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए इन्फिनिक्स का ये जो फोन चूज करना चाहेंगे या फिर रियलमी 10 प्रो चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।